हेलो स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 10 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस के नीट PYQ 2013 से लेकर 2023 तक। यहां पर हम ईयर वाइज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और जो भी सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको NCERT शो करके बताऊंगा, अगर वो क्वेश्चन NCERT में से आया हुआ है तो। अगर NCERT से नहीं होगा, आउट ऑफ NCERT होगा तो भी मैं आपको बता दूंगा ये क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ NCERT हो सकता है। रीसेंट ईयर के अंदर आप क्वेश्चन देखोगे, लगभग सभी क्वेश्चन जो हुआ आपको NCERT से मिलेंगे। इसके अलावा मैं बता देता हूं, आपको इससे पहले वाले सभी चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लेना, जहां पर इससे पहले वाले सभी चैप्टर आपको सेम फॉर्मेट के अंदर मिल जाएंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप वहां पर PDF भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नीट 2013 के क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया, DNA फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस इन ए केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय, यानी जो DNA फ्रेगमेंट्स होते हैं वो कैसे सेपरेट किए जाते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, रेस्ट्रिक्शन मैपिंग के द्वारा, सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा। तो वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा क्या किए जाते हैं, सेपरेट किए जाते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। NCERT का पेज नंबर 198 पर यह चीज मेंशन की हुई है, आप अच्छे से यहां पर देख सकते हो। ओके भैया, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, द कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर्स वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू ब्लू कॉलोनीज ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ, यानी जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया होते हैं वो वाइट कलर के दिखाई देते हैं, जो कॉलोनीज रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया की होती है। इन कॉन्ट्रास्ट मतलब इसके ऑपोजिट में क्या होता है, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया होते हैं वो ब्लू कलर के दिखाई देते हैं, इसका रीजन क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्टोसाइडेज इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, सेकंड है इनएक्टिवेशन ऑफ गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम इन द रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, सी है नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेनिंग बीटा गैलेक्टोसाइडेज, या फिर डी है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्टोसाइड इन नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। एक्चुअल में जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया होता है वहां पर होता है आपका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, नॉट इन नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट में कोई भी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं होता है, जब रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बन जाता है तो वहां पे इंसर्शनल एक्टिवेशन होता है। तो इसलिए इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। NCERT के पेज नंबर 200 पे ये चीज मेंशन की हुई है, आप देख सकते हो यहां से ये आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज के बारे में बात की गई है, बट यहाँ पर ऑप्शन में इन्होंने चेंज कर दिया, अल्फा कर दिया, बट मेनली हमारा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन देखना था कि रिकॉम्बिनेंट में इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच फॉर द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम, यानी यहाँ पर बताना है कि जो इसका सेल वॉल हो गया उसको डिग्रेड करने वाले एंजाइम में नॉट करेक्ट कौन सा है। एल्गी में बोला है मिथाइलेज, फंगाई में बोला है काइटिनेज, बैक्टीरिया में बोला है लाइसोजाइम, और प्लांट सेल में बोला है सेलुलेज। अब देखिए, प्लांट सेल में सेलुलोज होती है तो सेलुलेज, बैक्टीरिया में लाइसोजाइम होता है लाइसोजाइम, फंजाई में काइटिनेज, और यहाँ पर एल्गी के अंदर जो होता है वो भी आपका प्लांट किंगडम के अंदर ही आता है, और यहाँ पर सेलुलेज होगी, बट यहाँ पर इन्होंने लिखा है मिथाइलेज जो कि गलत हो गया। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। NCERT के पेज नंबर 201 पे ये चीज़ जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी, बाकी तीनों यहाँ पर दिए हुए हैं, एल्गी का नहीं दिया, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नीट 2013 में जो कर्नाटका स्टेट के लिए अलग से एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ DNA, यानी आइसोलेशन ऑफ DNA के जो प्रोसेस होता है वहाँ पे चिल्ड इथेनॉल इज एडेड टू, यानी चिल्ड इथेनॉल क्यों ऐड की जाती है, टू प्रेसिपिटेट DNA, ब्रेक ओपन द सेल टू रिलीज DNA, फैसिलेट एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, या फिर रिमूव प्रोटीन सच एज हिस्टोन। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रेसिपिटेट DNA करने के लिए। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, सेम NCERT के पेज नंबर 201 में लास्ट पैराग्राफ में आपको ये चीज मिल जाएगी। चलिए भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 2014 में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। नीट 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली ए स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ DNA, यानी कौन सा ऐसा जो है वो वेक्टर है वो केवल स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ DNA जो है उसको क्लोन कर सकता है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, प्लाज्मिड, या फिर कोजमिड। तो देखिए, BSE और YSE जो वो तो ह्यूमन जीनोम के अंदर होते हैं, इसलिए काफ़ी जो बड़े फ्रेगमेंट्स होते हैं उसको क्लोन करने में इसीलिए तो उनको BSE और YSE यूज़ किया जाता है, बट जो प्लाज्मिड होता है वो आपका स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ DNA होता है। ये आपका क्लास 11 चैप्टर 8 में भी दिया हुआ है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर पेज नंबर 128 में। तो प्लाज्मिड जो होता है वो काफ़ी स्मॉल फ्रेगमेंट में करता है, तो क्योंकि ये खुद ही एक बहुत ही स्मॉल फ्रेगमेंट होता है तो ये क्लोन भी तो स्मॉल फ्रेगमेंट कर पाएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी।
ओके नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में बोला गया है कॉमनली यूज्ड वेक्टर फॉर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस, यानी ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस में कॉमनली यूज्ड वेक्टर कौन सी है, TDNA, BSE, YSE, एक्सप्रेशन वेक्टर या फिर TA क्लोनिंग वेक्टर। तो यहाँ पे अभी आपको बताया था बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम जो वो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस में यूज होते हैं, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। अब आपको बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर सिक्स मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में NCERT का पेज नंबर 119 से आया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ से ये आया हुआ क्वेश्चन था, तो यहाँ से हमारा ये आंसर आ जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन के बारे में। क्वेश्चन नंबर सेवन में बोला गया एन एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए यूजिंग द साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स डज नॉट यूज, यानी जब हम क्रोमोसोमल डीएनए का एनालिसिस करते हैं किसको यूज करते हुए, साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक को, तो उसमें कौन सी चीज यूज नहीं होती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्लॉटिंग, ऑटो रेडियोग्राफी या फिर PCR। तो यहाँ पर देखिए कौन सी चीज़ नहीं होती है, PCR यूज़ नहीं होती है। अब ये क्या NCERT में से आया हुआ है, बिल्कुल आया हुआ है, वही आपका चैप्टर है क्लास ट्वेल्थ में चैप्टर नंबर सिक्स है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें DNA फिंगरप्रिंटिंग NCERT का पेज नंबर 122 यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ लिखा गया इसमें ऑप्शन में आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस तो स्टार्टिंग में दे दिया, ब्लोटिंग जो है वो आपका देखोगे वहां पर आपका ब्रैकेट के अंदर लिखा है ब्लोटिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, और ऑटो रेडियोग्राफी नीचे आपको यहाँ पे साफ साफ मिल जाएगा। तो ये तीनों चीज तो यूज होती है, PCR यूज नहीं होता, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर एट के बारे में। क्वेश्चन नंबर एट में क्या बोला गया है इन विट्रो क्लोनल प्रोपोगेशन इन प्लांट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी जो आपका क्लोनल प्रोपोगेशन होता है प्लांट्स के अंदर इन विट्रो, तो वहां पे वो किसके द्वारा कैरेक्टराइज किया जाता है, PCR, RAPD, नॉर्दर्न ब्लोडिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड HPLC या फिर माइक्रोस्कोपी। तो आपको बता देता हूँ ये NCERT में मेंशन नहीं किया गया है, तो यहाँ पे आप याद रख लेना इसका आंसर आएगा PCR एंड RPD। PCR तो आपको पता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बट RAPD क्या होता है, RAPD होता है रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA, रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA इसकी फुल फॉर्म होती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, NCERT में ये चीज मेंशन नहीं की गई है। ओके नेक्स्ट हम चलते हैं नीट 2015 में आए हुए क्वेश्चन की तरफ। नीट 2015 में क्वेश्चन पूछा गया द इंट्रोडक्शन ऑफ TDNA इनटू प्लांट्स इन्वॉल्व, यानी जो आपका TDNA होता है प्लांट्स में जब उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, एक्सपोजिंग द प्लांट्स टू कोल्ड फॉर ए ब्रीफ पीरियड, एलोविंग द प्लांट रूट्स टू स्टैंड इन वाटर, इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन या फिर अल्टरिंग द pH ऑफ द सॉइल देन हीट शॉकिंग द प्लांट। तो एक्चुअल में होता है कि ये क्या चीज इन्वॉल्व करता है, इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, इसको वेक्टर की तरह यूज किया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन को, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। NCERT के पेज नंबर 200 पे ये चीज अच्छे से मेंशन है, आप यहां पर देख सकते हो यहीं से ये आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए भाई नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया द DNA मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड, यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट किसके अंदर इंटीग्रेट किया जाता है फॉर द क्लोनिंग। ऑप्शन दिए गए हैं टेम्पलेट, कैरियर, ट्रांसफॉर्मर या फिर वेक्टर। तो ये चीज आपको मिलेगी NCERT के पेज नंबर 202 में, वहां पर फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आप नीचे देखो यहाँ पे लिखा है जीन ऑफ इंटरेस्ट, और उसको किसके साथ लिंक किया जा रहा है, वेक्टर के साथ में यहाँ पे लिंक किया जाता है, तो आंसर आएगा ऑप्शन डी वेक्टर, यहाँ पे ये आया हुआ है NCERT से। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है द कटिंग ऑफ DNA एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ, यानी स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करने DNA को वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, सिलेक्टेबल मार्कर, लाइगेज, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या फिर प्रोबेज। तो किसकी वजह से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से ये पॉसिबल हो पाया, NCERT का पेज नंबर 194 में बिल्कुल लास्ट लाइन, और पेज नंबर 195 पे बिल्कुल फर्स्ट लाइन वहाँ पे लिखा है मोलिकुलर सीजर किसको बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा। ओके NCERT में आप देख चुके हो। चलिए बात करते हैं नीट 2015 में एक जो कैंसल एग्जाम हुआ था वहां से क्यों क्वेश्चन नहीं आया, बट अब हम बात करते हैं नीट 2016 फेज वन में। फेज वन में क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है द टेग पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑप्टेंड फ्रॉम, यानी जो टेग पॉलीमरेज एंजाइम है वो किससे ऑप्टेंड होता है, बेसिलस सबटाइलस, सुडोमोनास प्रोटोडिया, थर्मस एक्वेटिकस या फिर थायोबेसिलस फेरोडक्शन। तो यहाँ पर ये थर्मस एक्वेटिकस से जो है वो ऑप्टेंड होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। NCERT का पेज नंबर 203 जो है वहां पर ये चीज मेंशन की गई है, आप अच्छे से देख सकते हो, यहीं से ये आया हुआ क्वेश्चन है।
चलिए भाई नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द प्लाज्मिड, यानी प्लाज्मिड का कौन सा फीचर नहीं है, ट्रांसफरेबल, सिंगल स्ट्रैंड, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन या फिर सर्कुलर स्ट्रक्चर। तो आपका जो ये डीएनए होता है वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, सिंगल स्ट्रैंड नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो आ जाएगा वो ऑप्शन बी, क्योंकि ये इसका फीचर नहीं है। इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन होती है, सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्रांसफरेबल होता है। ये सारी चीज़ आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 194 पे आपको मिल जाएगी, लास्ट पैराग्राफ के अंदर आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये सिंगल स्ट्रैंड नहीं होता, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके भाई नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, यानी इनमें से कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, डीएनएज 1, आरएनएज, प्रोटीएज या फिर हिंद 2। तो यहां पर आपका जो हिंद 2 है वो फर्स्ट आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज था, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। तो यहां से हमारा आंसर आ जाता है। ये कहां पर मेंशन है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 195 पे मेंशन है, तो वहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 2016 फेज टू में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। तो नीट 2016 फेज टू का क्वेश्चन नंबर 1 है, 15 नंबर क्वेश्चन। वैसे तो ए फोरिजन डीएनए एंड प्लाज्मिड कट बाय ए द सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैन बी जॉइंट टू फॉर्म ए रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड यूजिंग, यानी सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करने के बाद उसको कैसे ज्वाइन किया जाएगा, कौन सी वजह से, इकोआर 1, टेक पॉलीमरेज, पॉलीमरेज 3 या फिर लाइगेज। तो ये लाइगेज की मदद से जो है वो हम क्या कर सकते हैं, उसको वापस ज्वाइन कर सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, सेम एनसीईआरटी का पेज नंबर 195 जो है वहां पर ये मेंशन किया गया है। चलिए भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस ब्लंट एंड, यानी कौन सा जो है वो ब्लंट एंड को प्रोड्यूस करता है, SCL1, EcoRV, XHO1 या फिर HIN3। तो यहाँ पर जो EcoRV जो है वो याद रख लेना, वो ब्लंट एंड जो है वो उसको प्रोड्यूस करता है। ये कहीं से कहीं तक एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है ब्लंट एंड के बारे में, स्टिकी एंड्स के बारे में जरूर एनसीईआरटी में लिखा हुआ इसी चैप्टर में, बट ब्लंट एंड्स कहीं से कहीं तक नहीं लिखा गया है। चलिए भाई नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइंड फॉर, जो स्टीयर्ड टैंक होते हैं बायोरिएक्टर में वो किसके लिए डिजाइन किए जाते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव टू द प्रोडक्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस या फिर इंश्योरिंग एनएरोबिक कंडीशन इन द कल्चरल वेसल। तो यहाँ पे क्या इसलिए डिजाइन किए जाते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस के लिए। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, एनसीईआरटी का पेज नंबर 204 आप देख सकते हो, यहाँ पर ये अच्छे से मेंशन किया गया है। ओके भैया चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, यानी डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, सेपरेशन, प्योरिफिकेशन, प्रिजर्वेशन या फिर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर जो आपका एक्सप्रेशन है वो कहीं से कहीं तक डाउन स्ट्रीमिंग का प्रोसेस नहीं है। आप देख सकते हो फर्स्ट लाइन में लिखा है सेपरेशन वगैरह, प्योरिफिकेशन और फिर आगे प्रिजर्वेशन की भी बात की गई है, बट एक्सप्रेशन की कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं की गई है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। क्लियर हो गया। ओके अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको सेम अब एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर आप जो है वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं नीट 2017 के क्वेश्चंस के बारे में। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड, यानी सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन जो एक्सप्रेस्ड प्रोटीन है मार्केटिंग से पहले जो उसका प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम प्रोसेस, डाउनस्ट्रीमिंग, बायो प्रोसेसिंग या फिर पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेसिंग। तो उसको क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, अभी देखा था ये दिया हुआ है एनसीईआरटी का पेज नंबर 204 एंड 205 पे, वहीं से ही हमारा आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन किया गया है। ओके भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर डीएनए फ्रेगमेंट मूवमेंट ऑन एग्रोजेल ड्यूरिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहां पर जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइम पे जो डीएनए फ्रेगमेंट होती है उसकी क्राइटेरिया क्या है मूवमेंट की। फर्स्ट दिया गया द लार्जर द फ्रेगमेंट साइज द फादर इट मूव्स, द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फादर इट मूव्स, द पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट मूव टू द फादर एंड या फिर नेगेटिवली चार्ज फ्रेगमेंट डू नॉट मूव।
तो ये साफ साफ एनसीईआरटी में मेंशन किया गया, एनसीईआरटी का पेज नंबर 198 पे, द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फर्दर इट मूव, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, एनसीईआरटी पेज नंबर 198 आप यहाँ पे आप देख सकते हो साफ साफ मेंशन किया गया है। जो भी एनसीईआरटी के पेज नंबर दिखाए जाते हैं आप उसको पॉज करके भी जो वीडियो को देख सकते हो। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ए जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल इज नोन एज, यानी वो जीन जिसका एक्सप्रेशन हेल्प करता है ट्रांसफॉर्म सेल हुआ है या नहीं हुआ उसको क्या बोलेंगे, सिलेक्टेबल मार्कर, वेक्टर प्लाज्मिड या फिर स्ट्रक्चर जीन, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा सिलेक्टेबल मार्कर, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अब ये चीज़ दो दो जगह दी हुई है, एनसीईआरटी का पेज नंबर 199 पे भी दी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके अलावा सेम एनसीईआरटी का पेज नंबर 203 पर भी ये लिखा हुआ है, वहाँ से भी आप सिलेक्टेबल मार्कर के बारे में आप देख सकते हो, तो दो दो जगह यहाँ पर ये दिया हुआ है। चलिए भैया, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के बारे में। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या बोला गया है, द डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन एग्रोजेल कैन बी विजुलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विद, यानी यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका एग्रोजेल में यहाँ पर डीएनए को फ्रेगमेंट्स को देखने के लिए जो सेपरेट किया गया उसको विजुलाइज किया जाएगा, पर पहले किसके साथ स्टेन करेंगे, ब्रोमोफिनोल ब्लू के साथ, एसिटोकार्माइन के साथ, एनिलीन ब्लू के साथ, इथिडियम ब्रोमाइड के साथ, तो इथिडियम ब्रोमाइड के साथ जो है उसको स्टेन किया जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, एनसीईआरटी के पेज नंबर 198 पर यह चीज़ मेंशन की गई है। ओके, अब हम आ चुके हैं नीट 2018 में क्वेश्चन क्या पूछा गया, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप इन द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या जो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है उसके करेक्ट ऑर्डर बताने हैं, उसके स्टेप्स बताने हैं कौन से आएंगे, यानी डी नेचुरेशन एक्सटेंशन एनिलिंग, या फिर एनिलिंग एक्सटेंशन डी नेचुरेशन, या फिर एक्सटेंशन डी नेचुरेशन एनिलिंग, या फिर डी नेचुरेशन एनिलिंग एक्सटेंशन, तो कौन सा प्रोसेस यहाँ पर आएगा, सही दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो आएगा डी नेचुरेशन, फिर उसके बाद एनिलिंग आएगा और लास्ट में एक्सटेंशन आएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 202 में जो फिगर दी हुई है वहां पे बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो तीनों स्टेप और फिगर में भी मेंशन है, तो यहां से ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके भैया, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, अब हम आ चुके हैं नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोविंग माइक्रोब्स ऑन ए लार्जर स्केल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम, तो यहाँ पे पूछा है कि कौन से इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर हमें इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोडक्शन करना है, तो स्लज डाइजेस्टर, इंडस्ट्रियल ओवन, बायो रिएक्टर या फिर बीओडी इंक्यूबेटर, तो क्या यूज करेंगे हम, बायो रिएक्टर का यूज करेंगे, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। सेम लाइन कॉपी पेस्ट एनसीईआरटी का पेज नंबर 204 पे ये चीज मेंशन है, वहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आइडेंटिफाई द इन करेक्ट स्टेटमेंट, यानी सारी जो करेक्टर हैं वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिखे हैं, बट हमें इन करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे बतानी है। ओके, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले देखिए ऑप्शन ए में क्या लिखा गया है, द एंजाइम बाइंड्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट एंड कट ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड, सेकेंड द एंजाइम कट द सुगर फॉस्फेट बैकबोन एट स्पेसिफिक साइट ऑन द ईच स्ट्रैंड, सी है द एंजाइम रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए, एंड डी है द एंजाइम कट डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाई पोजिशन विद इन द डीएनए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या बताना है कि यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि यहाँ पर इन्होंने बोला द एंजाइम बाइंड डीएनए एट स्पेसिफिक साइट एंड कट ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड, ये गलत लिखा गया है, ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड नॉट ओनली वन, यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा गया ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड, यानी दोनों स्टैंड पर कट लगाया गया जाता है, बट इन्होंने क्या बोला कि ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड पर कट लगाया गया, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया, तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। एनसीईआरटी का पेज नंबर 196 में पूरे पैराग्राफ में ये पॉइंट्स लिखे गए हैं, आप यहां पे अच्छे से देख सकते हो। ओके भाई, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम आ चुके हैं नीट 2019 में जो ओडिशा स्टेट के लिए अलग से एग्जाम हुआ था उसमें आ चुके हैं। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया, ए सिलेक्टेबल मार्कर इज यूज्ड टू, यानी जो सिलेक्टेबल मार्कर होता है उसका यूज किस लिए किया जाता है। फर्स्ट है मार्क ए जीन ऑन ए क्रोमोसोम फॉर आइसोलेटिंग यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेकेंड है हेल्पिंग इन एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेट सो दैट द ट्रांसफॉर्मेट कैन बी रीजनरेटेड, सी है आइडेंटिफाई द जीन फॉर द डिजायर्ड ट्रेट इन एलियन ऑर्गेनिज्म, एंड डी है सेलेक्ट ए सूटेबल वैक्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन इन ए स्पेसिफिक क्रॉप। तो सिलेक्टेबल मार्कर का यूज क्यों होता है, वो इसलिए होता है ताकि हम हेल्प हो पाए एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेट सो दैट द ट्रांसफॉर्मेट कैन बी रीजनरेटेड, तो यहाँ से ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 199 पे ये चीज साफ साफ मेंशन की गई है, वहीं से ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपके सामने आंसर आ जाना चाहिए।
ओके भैया नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ऑन द वेक्टर PBR322। यहाँ पर हमें दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बताने हैं जो कि PBR322 वेक्टर पर प्रेजेंट होते हैं। टेट्रासाइक्लिक कैनामाइसिन, एम्फीसिलिन टेट्रासाइक्लिन, एम्फीसिलिन क्लोरा एम्फिनिकोल या फिर क्लोरा एम्फिनिकोल एंड टेट्रासाइक्लिन। तो यहां पर हमारा आंसर आएगा एम्फीसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, जो कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 199 फिगर 11.4 में दिया हुआ है और इसके साइड पैराग्राफ में लिखा ऊपर भी और इसके नीचे जो पैराग्राफ है वहां पर भी लिखा है और यहां पर भी लिखा है ए एम पी और ऊपर आर लिखा है। इसका मतलब वो रेस्ट्रिक्शन जो आपका रेजिस्टेंस जीन है ए एम पी यहाँ पे एम्फीसिलिन हो गया और TET में यहाँ पे आपका टेट्रासाइक्लिन हो गया। तो इस टाइप से हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। ओके भैया नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है गिवन बिलो आर द फोर स्टेटमेंट, यानी नीचे चार स्टेटमेंट लिखी गई है। प्रिटेंडिंग टू सेपरेट ऑफ DNA फ्रेगमेंट यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके भैया पहली स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है DNA is negatively charged molecule and so it is loaded on the gel towards the anode terminal. Second देखते हैं, second लिखा गया DNA fragment travel along the surface of the gel whose concentration does not affect movement of DNA. Third है smaller the size of DNA fragment larger is the distance it travel through it. And fourth है pure DNA can be visualized directly by the exposing to UV radiation. सबसे पहले देखिए आपको पता है कि ये वाली जो फोर्थ स्टेटमेंट है प्योर डीएनए कैन बी विजुलाइज डायरेक्टली बाय द एक्सपोजिंग, तो ये गलत हो गया क्योंकि हम स्टेन करेंगे इथिडियम ब्रोमाइड फिर उसके बाद में होगा। तो हमसे क्या पूछा है कि यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, यहाँ पर क्या बतानी है करेक्ट आइडेंटिफाई द सॉरी इनकरेक्ट बतानी है ना, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। तो एक तो हमारी फोर्थ वाली जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट हो गई, तो फोर्थ वाली हमारी इनकरेक्ट हो गई तो ऐसे हमारे पास दो ऑप्शन हो गए सॉरी तीन ऑप्शन हो गए। सी हमारा कट गया क्योंकि यहाँ पे फोर्थ लिखा है, फोर्थ हमारी इनकरेक्ट है। स्मॉलर द साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट लार्जर इज द डिस्टेंस इट ट्रेवल, तो यहाँ पर बोला गया कि जितनी ज्यादा स्मॉल साइज होगा उतना ज्यादा वो डिस्टेंस करेगा। तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो क्या है करेक्ट है, ये हमारी स्टेटमेंट क्या लिखी गई है करेक्ट लिखी गई है। तो यहाँ पर थर्ड जो है ये थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, बट इन्होंने क्या कर दिया यहाँ पे थर्ड करेक्ट थर्ड करेक्ट थर्ड करेक्ट, तो ये हमारे सारे ऑप्शन हट गए, हमारा ऑप्शन बन गया ए। अगर हमें फर्स्ट और सेकंड के बारे में नहीं पता बट हमने थर्ड अभी अभी देखा था कि स्मॉलर द साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स फर्दर इट मूव, यानी यह इतना ज़्यादा मूव करेगा, तो ये हमारी करेक्ट है और यहाँ पर ये इन्होंने यही लिखा है लार्जर इज द डिस्टेंस, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गई और हमसे पूछा क्या है इनकरेक्ट, तो थर्ड वाले सारे ऑप्शन हट जाएंगे, एक ही ऑप्शन बच गया वो हो गया हमारा ऑप्शन ए। चलिए भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया एन एंजाइम कैटलाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए इज, यानी ऐसा एंजाइम जो कि आपका न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है फ्रॉम द एंड्स, उसको क्या बोलते हैं प्रोटीएज बोलते हैं, डीएनए लाइगेज बोलते हैं, एंडोन्यूक्लियस या फिर एक्सोन्यूक्लियस, ये काफी इंटरेस्टिंग हो गया। तो यहाँ पर आपका साफ साफ एनसीईआरटी में मेंशन किया गया कि इसको हम एक्सोन्यूक्लियस बोलेंगे, द कैटलाइजर न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड उसको एक्सोन्यूक्लियस बोला जाता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 196 पे ये साफ साफ मेंशन किया गया है। ओके भैया अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 तो हमारा मैच द कॉलम क्वेश्चन आ गया है। ओके भैया मैच द कॉलम क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, नहीं करेंगे बिल्कुल करेंगे। ओके यहाँ पे दिया है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस डीएनए लाइगेज और टैग पॉलीमरेज, तो सबसे पहले ए की बात करते हैं, ए हमारा किसके साथ जाएगा जॉइन द डीएनए फ्रेगमेंट, तो जॉइन द डीएनए फ्रेगमेंट तो डीएनए लाइगेज का काम है। एक्सटेंड प्राइमर ऑन जीनोमिक डीएनए टेम्पलेट, यानी जो एक्सटेंड प्राइमर ऑन जीनोमिक डीएनए टेम्पलेट ये किसका काम होता है, तो ये तो टैग पॉलीमरेज का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कट्स डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन, यानी जो डीएनए को कट करता है एट स्पेसिफिक पोजीशन वो तो एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस। आगे देखते हैं रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए, ये तो अभी अभी करके आए थे कि ये एक्सोन्यूक्लियस का काम है, तो ये हमारा फोर्थ के साथ चला जाएगा और ये हमारा थर्ड के साथ चला जाएगा। तो ए हमारा थर्ड के साथ जा रहा है, बी हमारा फोर्थ के साथ जा रहा है, सी हमारा फर्स्ट के साथ जा रहा है और डी हमारा सेकंड के साथ जा रहा है, तो इस टाइप का ऑप्शन देख लेते हैं। ए हमारा थर्ड के साथ जा रहा है, इन दो ऑप्शन में जा रहा है, बट बी हमारा फोर्थ के साथ जा रहा है वो केवल इसी ऑप्शन में जा रहा है, फिर सी फर्स्ट और डी सेकंड, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अब आपको बता देता हूं यहां पे सबसे पहले जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस है वो पेज नंबर 196 वाला जो पैराग्राफ है वो आप देख सकते हो, यहां पर साफ साफ मेंशन किया गया है। डीएनए लाइगेज की बात करें तो ये आपका पेज नंबर 197 पे मेंशन किया गया, आप यहाँ पे देख सकते हो, और अगर मैं टैग पॉलीमरेज की बात करूँ तो ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 203 पर मेंशन किया गया, तो यहाँ से ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये सारे ऑप्शन जो है वो हमारे करेक्ट हो जाते हैं।
अब हम आ चुके हैं नीट 2020 के अंदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ, यानी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जो सेपरेटेड डीएनए है वो किसकी वजह से, किसकी हेल्प से हम विजुअलाइज कर सकते हैं। एसीटोन कार्माइन इन ब्राइट ब्लू लाइट, इथिडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन, एसीटोन कार्माइन इन यूवी रेडिएशन, इथिडियम ब्रोमाइड इन इंफ्रा रेड रेडिएशन। तो आंसर क्या आएगा, इथिडियम ब्रोमाइड और यूवी रेडिएशन के अंदर हम उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 198 पे ये दिया हुआ है, हम कई बार देख चुके हैं, यहाँ से आया हुआ ये क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है, ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लगा। देखिए इन्होंने क्या बोला है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है किसके रिगार्डिंग में, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिगार्डिंग में। फर्स्ट स्टेटमेंट दी है, ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ ए डीएनए सीक्वेंस। सेकंड है, दे कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट ए पैलिंड्रोमिक साइट। थर्ड है, दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियर। एंड डी है, स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेजेस। अब यहाँ पे देखिए हमसे पूछा क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिस्पेक्ट में हमें बतानी है रॉन्ग स्टेटमेंट। अब पहली वाली जो है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करेक्ट है, सेकंड वाली करेक्ट है, थर्ड वाली भी करेक्ट है, बट यहाँ पर ये किसके बारे में बात करिए, डीएनए लाइगेज के बारे में बात करिए, नॉट अबाउट द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये वैसे आप पढ़ोगे स्टिकी एंड कैन बी जॉइंड यू बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज, ये तो करेक्ट लग रही है, बट एक्चुअल में डीएनए लाइगेज और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो अलग अलग हो गए ना। तो यहाँ पर ये जो है वो आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे हैं, डीएनए लाइगेज के बारे में करें, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस ये क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 196-197 पे डीएनए लाइगेज के बारे में भी दिया हुआ है और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में 196 में पूरा पैराग्राफ है, 197 पे डीएनए लाइगेज दिया हुआ है। दोनों आप एनसीईआरटी में काफी बार देख चुके हो, अभी देख रहे हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए इन द वेक्टर इज टर्म्ड एज, यानी यहां पर वो बताना है कि वो कौन सा सीक्वेंस है जो कि वेक्टर के अंदर जो है वो कॉपी नंबर जो होता है उसको कंट्रोल करता है, उसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर, ओआरआई साइट, या फिर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, या फिर रिकॉग्निशन साइट। तो उसको बोलते हैं ओआरआई साइट, उसको बोला जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाला। तो यहां से हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 199 पे यहां पर ये दिया हुआ है, लास्ट लाइन में लिखा भी हुआ है कि टू कंट्रोल द कॉपी नंबर। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया, चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, तो हमें करेक्ट पेयर बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट में बोला गया, ज्वाइन द टू डीएनए मॉलिक्यूल, यानी लाइगेजेस जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल को ज्वाइन करता है। सेकंड है, पॉलीमरेज के बारे में लिखा है, ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट। थर्ड है, न्यूक्लियस के बारे में, सेपरेट द टू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, एक्सो न्यूक्लियस के बारे में बोला है, मेक कट एट स्पेसिफिक पोजिशन विद इन द डीएनए, तो विद इन द डीएनए नहीं, एट द एंड ऑफ द डीएनए। न्यूक्लियस ये काम नहीं करता है, पॉलीमरेज क्या करता है आपका, ये काम नहीं करता है, लाइगेज जो होता है वो जॉइन करता है, ये हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी के पेज नंबर 197 पे ये दिया भी हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हो, यहाँ से ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। ओके भैया, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज रिकॉग्नाइज बाय ECOR1, यानी ECOR1 जो होता है इसके द्वारा कौन सा जो है वो स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है वो बताया जाता है। तो ए में दिया है कि 5 की साइड GAAT थर्ड एंड की तरफ है, और इसमें बोला गया ऑपोजिट एंड में थर्ड में है वो CAAG और 5 है। इसी टाइप इसमें बोला गया फिफ्थ एंड की तरफ GAA CC, और इधर बोला गया CCGG। इसमें बोला गया CAAG, और इसमें बोला गया GAAT C, और यहाँ पर भी बोला गया GAT CC, यहाँ पे बोला गया है CCTAGG। अब देखो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस तो इसको छोड़कर यहाँ पे इसी में भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, ACD में भी है। देखो यहाँ पे भी देखो 5 की तरफ GAT आ रहा है और CC आ रहा है, और इधर से भी रीड करेंगे तो CCTAGG आ रहा है, ये भी हो सकता है। इसमें देखो CTTAG आ रहा है, और यहाँ पर भी देखोगे तो GAATTC आ रहा है, मतलब इधर थर्ड एंड की तरफ से पढ़ के देखो क्या आ रहा है, GAAT C, यहाँ पर भी तो यही है। तो इस टाइप से जब रीड करते हैं तो इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, बट ECOR1 वाले के लिए कौन सा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा फिगर। फिगर 11.1 एनसीईआरटी का पेज नंबर 196 में आप ध्यान से देखो, यहां पर दिया हुआ है, यहां पर होगा GAATTC वाला,
यहाँ पर ये हमारा सीक्वेंस होगा। और आप पेज नंबर 197 पे भी देख सकते हो, फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर दिया हुआ है अच्छे से, ये ईक्वार वन वाला है। तो यहाँ पे फिफ्थ एंड और थर्ड एंड की तरफ आप अच्छे से देख सकते हो, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। ओके भैया, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब आ चुके हैं 18 में। क्वेश्चन नंबर 18, मैच द ऑर्गेनाइजर विद इट्स सूट बाय टू, तो हमारा मतलब मैच द कॉलम क्वेश्चन है। ओके भैया, मैच द कॉलम में देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं बैसिलस थ्रंजाइनेसिस के बारे में। तो क्लोनिंग वेक्टर है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट आरडीएनए मॉलिक्यूलर डीएनए पॉलीमरेज या फिर क्राई प्रोटीन है। तो बेसिलस थ्रंजाइनेसिस में आपके क्राई प्रोटीन जो होते हैं वो होते हैं, तो फर्स्ट जो है वो हमारा फोर्थ के साथ चला जाएगा। ये नेक्स्ट वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 12 के अंदर ये दिया हुआ है, पेज नंबर 209 पे। थर्मस एक्विटिकस डीएनए पॉलीमरेज के अंदर जो हाई आपका टेम्परेचर होता है वहाँ पर भी हेल्प करता है, तो हमारा जो सेकंड है वो थर्ड के साथ चला जाएगा। एनसीईआरटी पेज नंबर 203 पे दिया है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन क्लोनिंग वेक्टर है, इसको जो है वो ये आपको पता है प्लांट्स के अंदर यूज़ किया जाता है, तो ये हमारा फर्स्ट के साथ चला जाएगा। और साल्मोनेला टाइफीमोरियम जो है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आरडीएनए मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पर अप्लाई होगा। तो अब क्या आएगा हमारा, 4312 इस टाइप से होना चाहिए, 4312 वाला। तो ये हम देख लेते हैं, 4312 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। अब एक एक करके एनसीईआरटी में भी देख लेते हैं। बैसिलस थ्रंजाइनेसिस आप देख सकते हो, नेक्स्ट वाला जो चैप्टर उसके पेज नंबर 209 पे दिया हुआ है आपके सामने, आप देख सकते हो। थर्मस एक्विटिकस आपका पेज नंबर 203 पर है, कई बार दिखा चुके हैं, डीएनए पॉलीमरेज के यूज़ होता है, तो ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। थर्ड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन भी दिखा चुके हैं, थर्ड के अंदर जो है वो हमारा पेज नंबर 200 पे दिया हुआ है, ये हमारा किसके अंदर, क्लोनिंग वेक्टर के अंदर यूज़ होता है। उसके बाद बात करते हैं साल्मोनेला टाइफीमोरियम, तो ये पेज नंबर 194 के लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, ये भी आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे लिखा हुआ है। ओके भैया, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, और अब हम आ चुके हैं नीट 2020 के अंदर जो फेज 2 में क्वेश्चन आए थे उनके अंदर। ओके भैया, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन, फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दैट ऑलवेज कस डीएनए मॉलिक्यूल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर इज। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमें बताना है कौन सा है, एडिनोसाइन डीएमिनेज थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज हिंद 2 या फिर इको आर 1, तो हमारा कौन सा है, फर्स्ट है हिंद 2, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 195 पे ये दिया हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया, इन ए मिक्सचर डीएनए फ्रेगमेंट आर सेपरेटेड बाय रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या फिर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो डीएनए फ्रेगमेंट किसके द्वारा सेपरेट किए जाते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। पेज नंबर 198 पे ये दिया हुआ है, कई बार हम देख चुके हैं, फिर से देख सकते हो। चलिए भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया, इन रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी एंटीबायोटिक्स आर यूज, यानी रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी में जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो किस लिए यूज किए जाते हैं, टू डिटेक्ट एलियन डीएनए, टू इम्पार्ट डिजीज रेजिस्टेंस टू द होस्ट प्लांट या फिर एज सेलेक्टेबल मार्कर या फिर टू कीप मीडियम बैक्टीरिया फ्री। तो डीएनए टेक्नोलॉजी में जो आपका एंटीबायोटिक्स है वो कैसे यूज होता है, वो होता है एज ए सेलेक्टेबल मार्कर, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। पेज नंबर 199 पे ये दिया हुआ है, सेलेक्टेबल मार्क के अंदर आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके भैया, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 वापस से हमारा जो है वो मैच द कॉलम क्वेश्चन आ गया है। ओके भैया, मैच द कॉलम क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि यहाँ पर हमारे पास में दिया हुआ है सबसे पहले बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर में सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ होता है। प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, ये हमारा बायोरिएक्टर में होता है। फिर हम बात करते हैं पीसीआर के बारे में, एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड में यूज होता है एलिसा, तो हमारे यहाँ पे ये बच गया, डिटेक्शन ऑफ पैथोजन बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीजन। ओके भैया, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2134, तो 2134 वाला देख लेते हैं, 2134 ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अब एक एक करके बात करते हैं, सबसे पहले बायोरिएक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो बायोरिएक्टर दिया हुआ है एनसीईआरटी के पेज नंबर 204 पे, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेज नंबर 198 पे दिया हुआ है, कई बार हम देख चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीसीआर के बारे में, ये पेज नंबर 202 पे दिया हुआ है। पीसीआर जो एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड में बारे में बात करता है, तो ये हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिसा के बारे में, तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 12 में, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के अंदर, पेज नंबर है 212, यहाँ पे आप देख सकते हो एलिसा के बारे में ये लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर है 23। ये मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लगा, ये इसलिए लगा क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो डायग्राम के नीचे वाली जो चीज़ें होती हैं वो नहीं पढ़ते हैं, और ये आपको पढ़नी चाहिए। अब बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट आपको दिखाएंगे ये एनसीईआरटी से ही है, बट आपको ये चीज़ें भी ध्यान देनी होती है, इसीलिए मैं पीवाईक्यू आपको एनसीईआरटी से करवा रहा हूँ। ओके,
कटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए बैंड्स फ्रॉम द एग्रोजेल, ट्रांसफर ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट टू द सिंथेटिक मेम्ब्रेन, या फिर कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए, या फिर एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डीएनए। तो यहाँ पर हमसे पूछा है स्पूलिंग क्या है, स्पूलिंग से पूछा है कि स्पूलिंग है क्या, तो ये क्या है, ये हमारा कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए होता है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अब आप पूछोगे ये कहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एनसीईआरटी के पेज नंबर 201 फिगर 11.5 में, नीचे देखो लिखा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये डीएनए का वाला वो डायग्राम दिया और फिर यहाँ पे लिखा है स्पूलिंग, लिख रहा है ना स्पूलिंग, एज इट इज स्पूलिंग लिखा है, तो ये क्या कर रहा है, कलेक्शन ऑफ डीएनए होता है तब। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। ओके भैया, नेक्स्ट हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ओके भैया, करेक्ट स्टेटमेंट बताएंगे। पहला है द पॉलीमरेज एंजाइम जॉइन द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड द वेक्टर, तो वो आपका लाइगेज एंजाइम होता है, ये हमारा गलत हो गया। आगे देखते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन आर परफॉर्म बाय इनक्यूबेटिंग प्योरीफाइड डीएनए मॉलिक्यूल विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऑफ द ऑप्टिमम कंडीशन। आगे देखते हैं, पीसीआर इज यूज्ड फॉर आइसोलेटिंग एंड सेपरेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। सेकंड है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, तो ये हमारा पीसीआर करता है और ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करता है, तो ये दोनों गलत हो गए। तो हमारा बच गया ऑप्शन बी। अब ऑप्शन बी हमारे क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन आर परफॉर्म बाय इनक्यूबेटिंग प्योरीफाइड डीएनए मॉलिक्यूल विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑफ द ऑप्टिमम कंडीशन। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अब ये जो है वो एनसीईआरटी का पेज नंबर 202 जो है, वहां पर पहली लाइन कॉपी पेस्ट की गई है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट की गई है, आप अच्छे से देख सकते हो, यहां से ही हमारा आंसर आ जाता है। ओके भैया, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम आ चुके हैं 25। अब हम आ चुके हैं नीट 2021 के अंदर भी, अब यानी आए पे क्वेश्चन आ जाते हैं नीट 2021 के। क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन पीसीआर, पीसीआर के स्टेप पूछे गए, हम पहले भी कर चुके हैं, डीनेचुरेशन एनिलिंग एक्सटेंशन, डीनेचुरेशन एक्सटेंस एनिलिंग एक्सटेंस, डीनेचुरेशन एनिलिंग एनिलिंग डीनेचुरेशन एक्सटेंशन। तो डीनेचुरेशन तो आता है पहला, फिर उसके बाद क्या आता है एनिलिंग, एंड फिर क्या आता है एक्सटेंशन आता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, एनसीईआरटी के पेज नंबर 202 फिगर 11.6 में दिया हुआ है, एनसीईआरटी से आप देख रहे हो। ओके भैया, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर है 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया, ड्यूरिंग द प्योरीफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेशन डीएनए टॉक्सिन एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट, यानी जब हम चिल्ड इथेनॉल को ऐड करते हैं तो वो किसको प्रेसिपिटेट करता है, आरएनए डीएनए हिस्टोन पॉलीसेक्राइड, तो वो किसको प्रेसिपिटेट करता है, डीएनए को करता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, कहां पे दिया हुआ है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 206, आप अच्छे से देख सकते हो। चलिए भैया, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर है 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी यहाँ पर पीसीआर का जो है वो कौन सा एक एप्लीकेशन नहीं है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जीन एम्प्लीफिकेशन, प्योरीफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन, या फिर डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन। तो यहाँ पे पीसीआर क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, तो वहाँ पे मॉलिक्यूल को डायग्नोज किया जाता है, जीएनए एम्प्लीफिकेशन तो पता ही होता है, और अगर वो वहाँ पर हम एम्प्लीफाई करें उसके अंदर म्यूटेशन है तो वो भी पता चल जाता है एम्प्लीफाई करके, बट यहाँ पर आइसोलेटेड जो प्रोटीन होता है उसका प्योरीफिकेशन नहीं होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। पेज नंबर 202 पे और 203 पे जो है वो पीसीआर के बारे में बात की गई है, बट यहाँ पर प्योरीफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन ये कहीं से कहीं तक काम नहीं होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया, डीएनए स्ट्रैंड ऑन जेल स्टैंड विद इथिडियम ब्रोमाइड व्हेन व्यूड अंडर यूवी रेडिएशन अपीयरेंस, यानी डीएनए के स्ट्रैंड जो है इथिडियम ब्रोमाइड के साथ में जब हम स्ट्रैंड करेंगे और यूवी रेडिएशन में देखेंगे तो किस टाइप के दिखाई देंगे, येलो बैंड, ब्राइट ऑरेंज बैंड, डार्क रेड बैंड, या फिर ब्राइट ब्लू बैंड। तो वो ब्राइट ऑरेंज बैंड में दिखाई देंगे। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, एनसीईआरटी का पेज नंबर 198 पे ये चीज़ मेंशन की गई है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 29। अब क्वेश्चन नंबर 29 में बोल क्या रहा है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मिड PBR322 हैज PST1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट विद इन द जीन MPR दैट कन्फर्म एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, यानी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है किसके अंदर, PST1 वहां पर है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट है विद इन द जीन MPR में। कौन सा प्लाज्मिड है, PBR322। अब ये क्या बोल रहा है, इफ़ दिस एंजाइम इज यूज फॉर इंसर्टिंग ए जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यानी यहाँ पर इस एंजाइम को, कौन सा एंजाइम, जो हमारा MPR जीन जो है, इस एंजाइम को यूज किया जाए इंसर्टिंग ए जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड प्रोडक्शन के लिए अगर यूज किया जाए, एंड द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज इंसर्टेड इन ई कोलाई स्ट्रेन, तो वहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर इसके अंदर हम बीटा गैलेक्टोसाइडेड प्रोडक्शन वाला एंजाइम इंसर्ट कर देते हैं और फिर उस प्लाज्मिड को ई कोलाई में डाल देते हैं, तो फिर उसके बाद में होगा क्या, तो ये देखते हैं भैया। यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया है, बोला गया इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर्म एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस इन टू द होस्ट सेल, ट्रांसफॉर्म्ड सेल विल हैव द एबिलिटी टू रजिस्ट एम्पिसिलिन एज वेल एज प्रोड्यूस गैलेक्टोसाइडेज, इट विल लीड टू लाइसिस ऑफ होस्ट सेल, या फिर इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस ए नोवल प्रोटीन विद ड्यूअल एबिलिटी।
तो यहाँ पर सिंपल सा समझिए, यहाँ पर जो आपका ये आपका प्लाज्मिड है पीबीआर 322, यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट है PST1, वहाँ पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है ऑलरेडी, इसका मतलब वो एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवा रहा है। बट इसकी जगह अगर हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला अगर कर देंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन वाला काम हो जाएगा और जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है वो वर्क नहीं करेगा, और अगर वो वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा, इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस टू द होस्ट सेल, यानी होस्ट सेल को एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस नहीं रह जाएगा। तो बीटा गैलेक्टोसाइड जरूर प्रोड्यूस कर पाएगा बट वहाँ पर वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी के पेज नंबर 199 पे यहाँ पर ये बात की गई है, पीबीआर 322 और PST1 एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन वहाँ पे दिया है डायग्राम के अंदर, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला है वो 200 पे दिया गया है, वहाँ पर ये बात की गई है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन वाली, यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है। ओके भैया, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 30, क्वेश्चन नंबर है 30। ओके, क्या बोला गया है, स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस आइडेंटिफाई बाय एंडो न्यूक्लियस टू मेक कट एट स्पेसिफिक पोजिशन विद इन द DNA इज डी जनरेट प्राइमर सीक्वेंस, ओकाजाकी सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस या फिर पॉली ए टेल सीक्वेंस। तो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है जहाँ पे कट लगाया जाता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, एनसीईआरटी का पेज नंबर 196 के पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला गया है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्पलीफिकेशन यूजिंग PCR इफ वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन इन द बिगनिंग देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ PCR विल बी अफेक्टेड फर्स्ट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इन्होंने बोला कि PCR में जो है वो आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है, अगर वहाँ पर हाई टेम्परेचर को मेंटेन नहीं किया जाता है, मतलब वहाँ पर हाई टेम्परेचर अगर नहीं रहता है, तो कौन सा स्टेप जो है वो सबसे पहले अफेक्ट होगा, एनलिंग होगा, एक्सटेंशन होगा, डीनेचुरेशन होगा या फिर लाइगेशन होगा। तो देखिए PCR में तीन स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, एनलिंग और एक्सटेंशन, ये पहला स्टेप, ये सेकंड और ये थर्ड स्टेप, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि यहाँ पर कौन सा जो है वो अफेक्टेड होगा अगर वहाँ पे हाई टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया जाएगा। अब बहुत बच्चे कहेंगे कि एनलिंग होगा, वहाँ पे थर्मस एक्वेटिकस और टैग हम ये वगैरह यूज़ करते हैं, तो सिंपल समझिए यहाँ पर होगा आपका डीनेचुरेशन। अब यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपका जो हाई टेम्परेचर पे इंड्यूस डीनेचुरेशन, एनसीईआरटी का पेज नंबर 203 के पैराग्राफ में ये साफ साफ मेंशन है, तो यहाँ पे जो सबसे पहले अफेक्ट होगा वो डीनेचुरेशन होगा, क्यों, जब डीनेचुरेशन होता है तो हाई टेम्परेचर होता है, अगर हाई टेम्परेचर रहेगा ही नहीं तो डीनेचुरेशन नहीं हो पाएगा। ये चीज़ एनसीईआरटी का पेज नंबर 203 में पैराग्राफ में मेंशन है, आप अच्छे से देख सकते हो, यहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है। ओके भैया, अब हम आ चुके हैं नीट 2022 में। नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है Which one of the following statement is not true regarding the gel electrophoresis? यानी हमें incorrect statement बतानी है with respect to किसके, gel electrophoresis के। Okay. Bright orange color band of DNA can be observed in the gel when exposed to UV radiation light। ये तो बिल्कुल सही है कि हमें ब्राइट ऑरेंज कलर दिखाई देता है। आगे द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रॉम द जेल इज कॉल्ड इल्यूशन, ये भी सही है। द सेपरेशन डीएनए फ्रेगमेंट आर स्टेन्ड बाय यूजिंग इथिडियम ब्रोमाइड। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस गिव ब्लू कलर टू द डीएनए, बी ब्लू नहीं वो ब्राइट ऑरेंज देता है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, एनसीईआरटी का पेज नंबर 198 पे ये चीज सारी चीजें मेंशन की गई है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 33। अब क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला गया, इन द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच वन कैन बी कट इजिली बाय पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होना चाहिए, फिफ्थ एंड की तरफ है, GTATTC, यहाँ पर देख लेते हैं CCTT आना चाहिए, ये हमारा TT आना चाहिए, ये गलत हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं GAT, यहाँ फिर है ACT, तो यहाँ पर T से स्टार्ट होना चाहिए, ये T से स्टार्ट नहीं हो रहा है। फिर देखते हैं GAATTC, फिर इधर देखते हैं CTTTAAAGG, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। ये देखते हैं CTCAGT, तो यहाँ पे सबसे पहले T से स्टार्ट होना है थर्ड डेर में, फिर G आना चाहिए, तो ये भी नहीं है, तुम्हारा एक ही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस साइड है वो है ऑप्शन सी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 198 पे ये 197 पे सॉरी दिया हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हो, यहीं से आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए भाई, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अब हम आ चुके हैं 34 में। क्वेश्चन नंबर 34, एसएसएन रीजन दे दिया गया है। ओके भैया, यहाँ पर बोला गया गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन लेवल इज एसएसएन एंड द अदर इज लेवल रीजन, तो एसएसएन और रीजन दिया गया, एसएसएन देखते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन, बिल्कुल सही है, पीसीआर में हम डीएनए एम्प्लीफिकेशन करते हैं। द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इज यूज्ड एज सिलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी सही है कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन जो होता है उसको सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज किया जाता है। बट ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में कहीं से कहीं नहीं बात कर रहा, एक सिलेक्टेबल मार्कर के बारे में बात कर रहा है और एक पीसीआर के बारे में बात कर रहा है। स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है पर कहीं से कहीं तक कोई इनका लिंक नहीं है। तो अब इस टाइप का ऑप्शन क्या आएगा हम देख लेते हैं।
ए इज नॉट करेक्ट, बट ये दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है बट आर इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों करेक्ट है बट आर इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अब दोनों स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहली वाली जो स्टेटमेंट है एसएसएन वाली पीसीआर वाली वो दी हुई है पेज नंबर 202 पे। ओके क्लियर हो गया। ओके अब रीजन वाली जो सिलेक्टेबल वाली है वो स्टेटमेंट दी हुई है एनसीईआरटी के पेज नंबर 199 पे, यहां से हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 35। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजायरेबल फीचर ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर, यानी क्लोनिंग वेक्टर का कौन सा एक डिजायरेबल फीचर नहीं है। प्रेजेंस ऑफ टू और मोर रिकॉग्निशन साइट, प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रेजेंस ऑफ मार्कर जीन, प्रेजेंस ऑफ सिंगल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट। तो यहाँ पर आपका केवल वन रिकॉग्निशन साइट होती है, मोर देन वन यहाँ पर रिकॉग्निशन साइट नहीं होती है। अगर ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए कि ये आपका क्लोनिंग वेक्टर का फीचर नहीं है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 199 पे फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे आपके दी हुई है, तो यहाँ से ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। 36 बोला गया गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, मतलब करेक्ट इनकरेक्ट वाला बताना है। पहले देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट डीएनए नोन एज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। सेकंड है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज कट द डीएनए स्ट्रैंड एट लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट। तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। हमारी दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, एनसीईआरटी से उठाई गई है। पहली जो स्टेटमेंट है वो एनसीईआरटी का पेज नंबर 196 पे लिखी गई है एज इट इज, आप देख सकते हो। सेकंड स्टेटमेंट आपकी लिखी गई है पेज नंबर 197 से, ये भी आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पे लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट वाला जो है वो पेज नंबर 197 पे दिया। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। अब इस टाइप का ऑप्शन देख लेते हैं, वन इज इनकरेक्ट नहीं, दोनों करेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, दोनों करेक्ट है, बिल्कुल सही है, दोनों हमारे इनकरेक्ट नहीं, ए करेक्ट इनकरेक्ट नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके भैया नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं हम 37 में, 37 ये रहा। अब हम आ चुके हैं नीट 2023 में। ओके भैया नीट 2023 के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेशन डीएनए एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिटेट, ये पहले भी आया था, वही क्वेश्चन उठा के दोबारा डाल दिया। डीएनए हिस्टोन पॉलीसेक्राइड आरएनए, तो डीएनए आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। एनसीईआरटी का पेज नंबर 201 पे ये चीज मेंशन की गई है, वहीं से ये आंसर आ जाता है। ओके नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोला गया, 38 है। इन जीन गन मेथड यूज टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू द होस्ट सेल माइक्रो पार्टिकल ऑफ डैश मेटल आर यूज्ड, यानी यहां पर बोला गया कि जो जीन गन होती है उसके अंदर जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं वो किस मेटल के यूज होते हैं, जिंक के, टंगस्टन और गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के, तो वो टंगस्टन और गोल्ड के यूज होते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन टू। एनसीईआरटी का पेज नंबर 201 पे ये चीज मेंशन है, तो यहां से ही हमारा आंसर आ जाता है। ओके भैया नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। सारे क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था बट ये वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन डीएनए स्टैंड विद इथिडियम ब्रोमाइड विल शो, कैसे दिखाई देंगे, ब्राइट ब्लू, ब्राइट येलो, ब्राइट ऑरेंज, ब्राइट रेड, तो ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई देंगे, आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड। एनसीईआरटी का पेज नंबर 198 पे ये मेंशन है, कई बार हम कर चुके हैं। चलिए भैया नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या बोला गया है, ये काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन था, पहले कुछ और ऑप्शन दे दिया था, फिर वहां पर ऑफिशियल आंसर किया है उसमें और दे दिया था, फिर चेंज किया गया, इस टाइप से यहां आंसर आता है। ओके मेन स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर गिवन बिलो, अरेंज दी स्टेप इन ए करेक्ट सीक्वेंस। तो यहां पर इन्होंने बोला है कि जो हमारे पास में रिकॉम्बिनेशन डीएनए के हैं उसमें मेन स्टेप दिए हुए हैं फॉर्मेशन के, तो इन स्टेप को हमें जो है वो एक सीक्वेंस में जो है वो लगाना है। ओके भैया तो यहाँ पर ए बी सी डी करके दिया, इंसर्शनल ऑफ रिकॉम्बिनेशन डीएनए इनटू द होस्ट सेल, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, आइसोलेटिंग ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, या फिर एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। तो अब आपको बताता हूँ कि ये जो है वो सारी सब हेडिंग है, जहाँ पर रिकॉम्बिनेशन डीएनए की बात की जाती है फिर वहाँ पर सब हेडिंग आती है एक एक करके। तो सबसे पहले जो सब हेडिंग आएगी वो कौन सी आएगी, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, यानी सबसे पहले हमारी आएगी सी वाली, तो ये सी वाली हमारे पास में दो है, दो ऑप्शन हमारे हट जाते हैं। उसके बाद में देखते हैं, उसके बाद में आता है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी ये हमारा सबसे पहले आएगा, ये हमारा सेकंड आएगा। तो अब हमारे पास में यहाँ से देखते हैं सी के बाद में हमारा पास में आ गया बी,
तो ये हमारा आंसर आ गया। फिर हम अभी आगे चलते हैं, फिर हमारे पास में आएगा एम्पलीफिकेशन वाला और फिर इंसर्शनल ऑफ रिकॉम्बिनेशन इनटू द होस्ट सेल वाला। तो इस टाइप से आएगा, यानी सी बी फिर हमारे पास में डी, ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया। तो हमारा आंसर क्या बन गया, सी बी डी ए बन गया, आंसर आ जाएगा ऑप्शन टू। अब आपको दिखा देता हूँ, आप कर देख सकते हो, पहले 201 पे आप देखो यहाँ पे लिखा है, पहली हेडिंग आ जाती है आइसोलेशन वाला, फिर 202 पे हमारी दो हेडिंग आ जाती है एम्पलीफिकेशन और वो आपके कटिंग ऑफ डीएनए वाली, फिर आपका थर्ड पे आ जाता है ये आपका इंसर्शनल ऑफ रिकॉम्बिनेशन डीएनए इनटू द होस्ट सेल वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब हेडिंग लिखी गई थी, यही हमारा सीक्वेंस आता है। चलिए भैया नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं, अब क्या रह गया, अब आ गया नीट 2023 में जो मणिपुर स्टेट के लिए अलग से एग्जाम हुआ था उसके आए हुए क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 है, लाइगेशन ऑफ ओरिजिन डीएनए एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट विल रिजल्ट इन द लॉस ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन ऑफ द PBR322। यानी इन्होंने पूछा है कि कौन सी हम साइट के ऊपर अगर हम यहाँ पर ओरिजिन डीएनए डालेंगे तो वहाँ पर PBR322 में जो है वो आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो है वो लॉस हो जाएगा। तो हमें देखना है कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो वो कौन सी रिकॉग्नाइजेशन साइट पे होता है, EcoR1 पे, BMH1 पे, PST1 पे, PVU1 पे। तो ये डायग्राम में दिया हुआ है, PBR322 का अगर आप डायग्राम देखोगे तो TETR करके जो है वो रिकॉग्नाइजेशन साइट जो है वो है BAMH1। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन टू, NCERT का पेज नंबर 199 फिगर 11.4। चलिए भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर वाज आइसोलेटेड फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन बेसिलस थर्मोस एक्विटिकस इकोलाई। तो हमारा जो है थर्मस एक्विटिकस आ जाएगा, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जो होता है पीसीआर के अंदर वो आइसोलेट किया जाता है थर्मस एक्विटिकस से। काफी बार कर चुके हैं, एनसीईआरटी का पेज नंबर 203 पे ये दिया हुआ है, तो यहां से हमारा आंसर आ जाता है। मैच द कॉलम क्वेश्चन आ गया है, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। ओके, अब देखो कैनामाइसिन क्या होता है, कैनामाइसिन जो होता है वो हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है। अब कैनामाइसिन आप बोल सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर भी कैनामाइसिन है, यहाँ पे देखिए स्मॉल आर जीन है, तो ये आर क्या होता है, रेजिस्टेंस जीन। तो ये तो हो गया हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, और कैनामाइसिन जो होती है वो यूज होती है सिलेक्टेबल, क्योंकि रेजिस्टेंस जीन जो होती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वो सिलेक्टेबल मार्कर की तरह भी यूज होता है। बट ये स्मॉल आर जीन लिख दिया ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, स्मॉल आर जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होगा, तो ये हमें याद रखना है। तो ए हमारा सेकंड के साथ चला जाएगा, डी हमारा फोर्थ के साथ चला जाएगा, फिर CLA1 जो है वो फिगर 11.1 में दिया हुआ है, और ये आपका एक रेस्ट्रिक्शन साइट है, तो ये हमारा जो है वो थर्ड के साथ चलेगा। दिस आर्म रेट्रोवायरस जो होता है वो आपका एक वेक्टर की तरह काम करता है, यानी डिलीवर जीन इनटू द एनिमल सेल। तो देखते हैं 2314, यानी पहले टू के साथ जा रहा है, फिर थ्री के साथ जा रहा है, फिर वन के साथ जा रहा है, फिर फोर के साथ, 2314 हमारा आंसर आना चाहिए। ओ टू वाले दो हो गए, फिर थ्री आएगा, फिर वन आएगा, फिर फोर आएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड। अब एक एक करके बात करते हैं, कैनामाइसिन और कैनामाइसिन आर जीन जो है वो दोनों सेम ही पेज नंबर पे दिए हुए हैं, पेज नंबर आपका 199 पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट CLA1 जो है वो आपका फिगर 11.4 में दिया है रिकॉग्निशन साइट में, नीचे जो डायग्राम दिया उसके नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि L1। तो ये हमारा आ गया डिसआर्म रेट्रोवायरस, पेज नंबर 200 पे दिया हुआ है कि आपका डिलीवर जीन इनटू द एनिमल सेल में काम करता है, तो यहां से ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? ओके, चलिए भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोला गया है, आराम से देख के बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, यानी इनकरेक्ट बताना है किसके अबाउट में, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन। फर्स्ट, इट ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इनटू द ट्यूमर सेल, इट डिलीवर TDNA इनटू द प्लांट सेल, इट इज यूज्ड टू डिलीवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल यूकैरियोटिक, और TI प्लाज्मिड फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन यूज्ड फॉर जीन ट्रांसफर इज नॉट पैथोजेनिक टू द प्लांट सेल। अब देखिए एनसीईआरटी के पेज नंबर 200 पे ये साफ साफ लिखा गया है कि यहाँ पर ये यूकैरियोटिक के लिए यूज होता है, नॉट अ प्रोकैरियोटिक। तो यहाँ पर ये लिखा है ना, इट इज यूज्ड टू डिलीवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इन द बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये केवल और केवल किसके लिए यूज होता है, एज यूकैरियोटिक होस्ट सेल के लिए यूज होता है, दोनों के लिए यूज नहीं होता है, तो ये गलत हो गया, आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड। एनसीईआरटी का पेज नंबर 200 पे ये चीज मेंशन की गई है, वहीं से आंसर आ जाता है। चलिए भैया लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 45। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट एज ए मॉलिक्यूलर सीजर, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए लाइगेज, तो हमारा आंसर आ जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एनसीईआरटी के पेज नंबर 195 पे दिया हुआ है। इतना ही था, बाय।